केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स पर किसने किया हमला? आखिर घोटाले पर से पर्दा हटाने वाले पर क्यों हो रहा है हमला? वो कौन है जिसे राज खुलने का सता रहा है डर? तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम राहुल शर्मा है। पेशे से आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली पीडब्ल्यूडी में घोटाले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ऐसा करना अब राहुल पर भारी पड़ रहा है। दरअसल राहुल शर्मा पर 31 मई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली चलाई जब वो ग्रेटर नोएडा के गॉड सिटी से अपने घर से गाजियाबाद जा रहे थे। हालांकि हमलावर के रिवॉल्वर से गोली चल नहीं पाई और वो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल शर्मा के मुताबिक वो जैसे ही गौर इंटरनेशनल स्कूल के सामने पहुंचे और ब्रेकर पर गाड़ी स्लो की, अचानक दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और इनोवा को ओवरटेक किया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने पिस्तौल तान दी और उन्हें गोली मारने की कोशिश की। इतने में ही आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि राहुल शर्मा ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर करीब 10 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। इस मामले में एसीबी ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसी सिलसिले में एबीसी ने केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल के घर पर छापेमारी भी की थी और अहम दस्तावेज हासिल किए थे। हालांकि दिल का दौरा पड़ने से 7 मई को सुरेंद्र बंसल का निधन हो गया। घटना के सामने आते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मगर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे आखिर कौन है जो राहुल की जान के पीछे पड़ा है? हमलावरों को किस राज के खुलने का डर सता रहा है? अब इन सवालों का जवाब पुलिस को हर हाल में खोजना होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।